इस समय या केंद्र में या कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक विचारधारा के आधार पे शासन करती है या राजनीति करती है। जिस तरह से कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनकी अपनी एक रणनीति है, अपनी एक विचारधारा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी की अपनी एक विचारधारा है। वो विचारधारा मनुवाद या ब्राह्मणवाद द्वारा पोषित है। आरएसएस उसी विचारधारा के आधार पर काम करती है और उसके सभी संगठन, आरएसएस और उसके सभी संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदू विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के सभी संगठन उसी विचारधारा के आधार पर काम करते हैं। क्या है ब्राह्मणवाद की विचारधारा या मनुवाद की विचारधारा? मनुवाद की विचारधारा विषमता के आधार पर, गैर बराबरी के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, आडंबरों के आधार पर, अंधविश्वासों के आधार पर चलती है, जो समाज में भय पैदा करती है। मुख्य बात ये, यहाँ इसका निचोड़ ये है, समाज को भय मुक्त बनाए, भय से युक्त बनाए रखती है, समाज में टेंशन बनाए रखती है, समाज में इस तरह का माहौल बना रहता है कि लोग डरे रहें, लोग डर के रहें। और ये स्थिति वर्तमान में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में, भय का माहौल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल देखा जा सकता है। भय का माहौल और वर्चस्व की राजनीति, कुछ लोग हैं जो जिसे सवर्ण वर्चस्व कहा जा सकता है, आज वो सर चढ़कर बोल रहा है उनका, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में भारत के तमाम पहलवानों का मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय तक उन्हें जाना पड़ा। एक उनका मंत्री जो तमाम आरोपों से घिरा हुआ है, तमाम उस पे आरोप हैं, उसके बावजूद भी वो उस टस से मस नहीं, बीजेपी की कान में जूं तक नहीं रेंग रही, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन ये वर्चस्व, ये एक टेरर, ये भय इस तरह से बनाए रखना चाहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि झूठ, फरेब, चालबाजी या इस तरह के जुमलेबाजी या तमाम इन सब आचरण के बावजूद भी बीजेपी अपने लक्ष्य में, अपनी राजनीति में, अपने उद्देश्य में, सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य में सफल क्यों है? तो इसका कारण ढूंढा जाए तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विचारक हैं, जो उनके धर्म गुरु हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके चाहे कवि हैं, चाहे लेखक हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे मीडिया है, तो जो उनके समर्थक हैं, जो उस विचारधारा के पोषक हैं, जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, उनका सीधे जनता के साथ सामंजस्य है। बीजेपी की सरकार या बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग जो भी करें, कुछ भी करें, सही करें, गलत करें, कुछ भी करें, इससे उनको मतलब नहीं है, उनके समर्थकों का। उनका जनता के साथ सामंजस्य है, वो जनता में अपनी पैठ बनाकर उस गलत को भी सही साबित कर देते हैं। तो उनका सीधे सामंजस्य है, सीधे तालमेल है जनता के साथ में। बीजेपी जो भी आचरण करती है, बीजेपी के लोग, बीजेपी के चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो केंद्र में, राज्य में हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, कुछ भी करे, वो ब्लाइंड सपोर्ट उनका है। और ब्लाइंड सपोर्ट होने के साथ साथ जनता से उनका सामंजस्य है, जनता से उनका तालमेल है, वे जनता से जुड़े रहना चाहते हैं। बीजेपी की अच्छाइयां, बीजेपी की वाहवाही, चाहे अपने नेता की वाहवाही, वो पूरी दुनिया में बनाए रखते हैं, करते रहते हैं। जो बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब की जो लाइन पकड़ के, कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं, ये बहुजन समाज तो इस पे अमल नहीं कर पाया।
बहुजन समाज तो इस पे केवल भाषण देता रहा, जगह जगह भाषण देते हैं लोग कि बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था, लेकिन बाबा साहब की बातों पे अमल करना बहुजन समाज के लोगों का जनता से कोई तालमेल नहीं है, जनता से कोई सामंजस्य नहीं है। जो आरक्षण या महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे होदों पर, नौकरियों में जो लोग पहुंच गए हैं, वो सुविधा भोगी वर्ग आज वो जनता से बिल्कुल कट गया है। जनता की जो लोग हैं उनकी समस्याओं से कन्नी काटकर अपना पेट पालने में लगा हुआ है, उनका कोई सामंजस्य नहीं है जनता के साथ में। जनता जहां है, जिस हाल में है, वो वैसी ही पड़ी हुई है। आज उसकी समस्याएं उसी तरह से हैं, लेकिन बीजेपी में केवल 15% लोग हैं, इनके जो सत्ता में पहुंचाने वाले लोग हैं, केवल या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो आज देश के सभी संसाधनों पे उनका कब्जा है, राजनीति पे उनका कब्जा है, न्यायपालिका पे उनका कब्जा है, बिजनेस पे उनका कब्जा है, सांस्कृतिक में 100% उनका गतिविधियों में उनका कब्जा है। वे सीधे जनता से सामंजस्य बना के और सत्ता में आज बने हुए हैं। केवल 15% के लोग आज, अल्पजन लोग, इस डेमोक्रेसी में जहां बहुमत का शासन होना चाहिए था, वहां वे सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये झूठ फरेब के माध्यम से, जुमलेबाजी के माध्यम से, नरेटिव गढ़-गढ़ के दुनिया भर के कि हम गरीबी मिटाएंगे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे जितने ये सब नारे या ऐसे नरेटिव, ऐसे प्रलोभन, ऐसे इनके जुमले, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, ये होगा वो होगा, गरीबों के घर में खाना खा लेना, पैर धो के पैर धोना, ये सब झूठ फरेब करने के बाद भी वे सत्ता में हैं, क्योंकि उनका जनता से तालमेल है, जनता के बीच में है वे, जनता से उनका सामंजस्य है, उनके चाहे बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए वे सत्ता में, इसलिए वे संसाधनों पे, इसलिए देश के हर क्षेत्र में वे कामयाब हैं। तो साथियों, ये जिस तरह से उन्होंने बहुजन नायकों से तमाम चीजें चोरी करके और वे कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, तो हमारे बहुजन नायकों ने जो रास्ता दिखाया है वह झूठ फरेब का नहीं है। हमारे बहुजन नायकों का रास्ता समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का है, सच्चाई का रास्ता है, मानव के पक्ष में, मनुष्यता के पक्ष में है। तो वहां हमारी कामयाबी होनी चाहिए, बहुजन समाज को कामयाबी होनी चाहिए, कामयाबी मिलनी चाहिए। तो ये विचारणीय प्रश्न है, सभी से अनुरोध है कि बहुजन नायकों के बताए रास्ते पे चलकर बहुजन समाज के दुख दर्दों को दूर किया जा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।